नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की, आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसे कहते हैं। सरकार ने देश में किसानों को बेहतर मौके देने के लिए, उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाने के लिए तमाम सारे फैसलों की घोषणा की है, और उनका कहना है कि जो कृषि क्षेत्र में उदारीकरण की जो नई बयार है उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं वो एक नया पड़ाव है। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। असल में सरकार कई बार, काफी समय से इसके बारे में बात कर रही है कि कृषि क्षेत्र में सुधार किए जाएं। 1990 में संसद की अस्थायी समिति जो एग्रीकल्चर पे थी, भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में, उसने भी कहा था कि कृषि में सुधारों की जरूरत है, किसानों की आय बढ़ाए जाने की जरूरत है। उसके बाद 1994 की समिति ने भी इसके बारे में बात की और कई सारे सुझाव सरकार को दिए कि किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाए जाने की जरूरत है। और इधर सरकार ने, अगर हम देखें, कुछ साल पहले एक बड़ी घोषणा की कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे। फिर जब कोविड का दौर चल रहा था उसमें कहा गया कि सरकार कृषि सुधारों की तरफ जा रही है, मार्केटिंग सुधार करने हैं। 3 अध्यादेश जारी किए गए, उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम को उदार करने का एक बड़ा फैसला लागू किया गया। असल में सरकार कह रही है कि किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है, वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब हमें देखना है इसमें कि ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून है उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो क्या वाकई किसानों के लिए बेहतर है, या फिर उसके लिए कारोबार और व्यापार को खोलने के लिए और ज्यादा मुफीद माहौल बनाने की तैयारी है, वाकई ये समस्याओं को हल कर देंगे, या जो किसान जिन समस्याओं को देख रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनसे उनका ध्यान हटाने की ये कोशिश है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। इस एक मसले पर आज बात करेंगे क्योंकि सरकार ने 3 कानून बदलने का फैसला किया है, और उसमें हम पहला कानून जो है उस पर आज बात कर रहे हैं, उसका जो अध्यादेश आया। हमारे साथ इस चर्चा में 2 खास मेहमान हैं, जो वरिष्ठ और मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर कमल नयन काबरा, वो तमाम सारे जींसों से संबंधित जो नीतियां हैं उनके ऊपर उनका काम रहा है, पीडीएस पे काम रहा है, और जो मैक्रो इकोनॉमी के बड़े जानकार हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर टी हक, जो CACP के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बड़े जानकार हैं। तो ये तमाम सारे मसले हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। एक पहली छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग अपने मेहमानों के पास आते हैं। आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता, आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया। आत्मनिर्भर खेती और आत्मनिर्भर किसान के वादे के बीच 3 जून को जो फैसले मोदी सरकार ने किए उसने किसानों की आत्मनिर्भरता को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं। मोदी सरकार ने 3 जून को आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव कर 65 साल से चले कानून को बदल दिया। अनाज, तिलहन, दाल और प्याज जैसी आवश्यक कृषि उत्पादों को एक्ट से बाहर कर दिया। अब उत्पादों की कीमत, आपूर्ति और बिक्री किसान अपने हिसाब से तय कर सकेंगे। वहीं सरकार समय समय पर समीक्षा भी करेगी, बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। इससे पहले कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार तिलहन, तेल, अनाज, आलू और प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाती थी। इनके उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण पर सरकार का कंट्रोल था। मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर सजा हो सकती थी। ये एक्ट 1955 में पास किया गया था, लेकिन इस बदलाव ने कई सवाल उठा दिए हैं। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बने इस कानून से किसानों की बेहतरी का क्या रिश्ता है? इन फैसलों से किसानों की आत्मनिर्भरता की राह बंद नहीं होगी। मसला खाद्य सुरक्षा और काला बाजारी से जुड़ा हुआ है। इतिहास से सबक लेने की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। काबरे जी, मैं ये एक सवाल आपसे करूंगा कि सरकार का कहना है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी आमदनी बढ़ाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं, तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को इतना लिबरल कर दिया गया है, उसमें ज्यादातर कृषि जिन्सों को बाहर कर दिया गया है कि जिससे कि उनका ट्रेड आसान हो जाए, प्रोसेसर खरीद सके, दाम बेहतर होने का रास्ता मिलेगा, ज्यादा खरीदार मिलेंगे, क्या वाकई आवश्यक वस्तु अधिनियम और किसानों के बीच कोई सीधा रिश्ता है? क्योंकि जो ये कानून है ये तो उपभोक्ताओं के संरक्षण का कानून है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मेरे समझ में तो ये आता है कि खरीदने की आजादी जो है वो जहां तक अनाजों का सवाल है, सरकार मुख्य अनाजों का स्वयं बहुत बड़ी मात्रा में एक खरीद करती है, सरकारी खरीद होती है जी, और वो एफसीआई के गोडाउन में रखा जाता है। एफसीआई के गोडाउन में जो माल होता है मुख्यतः वो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए उपभोक्ताओं में सारे देश में राशन की दुकानों द्वारा निश्चित कीमतों पर रहता है, परंतु उसमें एक साथ साथ दूसरा प्रोविजन भी कई बार देखा गया है कि बाजार की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। सरकार बाजार में लाकर के माल को डालेगी जिससे उसको व्यवसायी, व्यापारी, ये जो अनाज के आटा और दाल चावल बनाने वाले हैं वो लोग भी खरीद सकते हैं। तो ये एक तरह से सरकार के पास में कीमत नियंत्रण का एक बहुत बड़ा हथियार है कि एक पहले तो ये कि न्यूनतम कीमत किसान को दे देने के लिए व्यवस्था की गई है जी, वो सीधे खरीद होती है या आढ़तियों के थ्रू खरीद होती है ये एक दूसरा सवाल है, पर खरीद होती है। कई जगह लोग ये कहते हैं कि हमारा माल उठाया नहीं गया है, इस तरह की शिकायतें, क्योंकि सरकार का एक निश्चित लक्ष्य है। खासकर कई बार ये देखा गया है कि सरकार के पास, जैसे आजकल भी है, बहुत विशाल मात्रा में अनाज का भंडार एकत्रित हो जाता है और उठाव उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है। अभी बहरहाल तो लॉकबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण भी उठाव कम हो गया था जी। दूसरे लोगों की आमदनी भी कम होने के कारण, जब लोग काम धंधे पर नहीं जा रहे हैं, दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग या जो सुबह कुआ खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, उस किस्म के जो लोग हैं उनको पूरी मात्रा में बाजार में खरीदने की क्षमता भी नहीं थी। तो जो कीमतों में उतार चढ़ाव होता है जी, सबसे बड़ा उसका कारण आधार जो होना चाहिए कि जो न्यूनतम सरकारी खरीद मूल्य है, कीमत है, उसके इर्द गिर्द एक दायरे में वो रहे। क्योंकि जब अधिकांश लोगों को, यहां तक कि कुछ लोगों को मुफ्त में या बहुत सस्ते दाम में दिया जाता है, तो केवल मध्य वर्ग और शहरी तबके के नौकरी पेशा लोग ही बाजार से खरीदते हैं, खुद व्यवसायी या मतलब खाते पीते लोग ही खरीदते हैं। उनकी आम आदमी की क्रय शक्ति पर, जिनकी अधिकांश मात्रा में वो पीडीएस से खरीदते हैं, राशन की दुकान से खरीदते हैं, और अब तो उम्मीद करनी चाहिए कि सारे देश में जब एक ही राशन कार्ड चलेगा तो कहीं आने जाने पर भी, दूसरी जगह स्थानांतरित होने पर भी इससे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें अनाजों को छोड़ के बाकी जो चीजें आती है जी, दालें हैं, और दूसरी तरफ खासकर जो बार बार जिनकी शिकायत आती है, आलू प्याज जी की शिकायत बहुत आती है। कई बार दाम बहुत बढ़ जाते हैं, कई बार किसान को सड़क पर माल फेंक के आना पड़ता है। ये भी इसमें टमाटर को, क्योंकि वो बहुत हाईली पेरिसेबल कमोडिटी है, शामिल नहीं किया गया है, परंतु उसकी कीमतों में भी कई बार आता है कि वो प्याज की तरह रुलाता तो नहीं है, पर लोगों का जायका जरूर बिगाड़ देता है। तो मैं सर आता हूँ आपके पास, ये कि अक्सर ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बदलाव है, जो नया अध्यादेश आया है, जो आगे कानून की शक्ल ही लेगा, तो ये जो मैं काबरा जी से भी सवाल किया, तो क्या वाकई किसानों के हित में है, उपभोक्ता का कानून है, और इन दोनों के बीच रिश्ता इतना करीब है, क्या ये जो बदलाव है वो किसानों को मदद करेगा? देखिए, पहले मैं जस्ट एक मिनट प्रावधान के ऊपर ही थोड़ा कहूंगा।
पहले अगर आप इसका प्रियम्बल देखें, जैसे सेल कमोडिटीज एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ, हाँ, उसमें जो उनका सेक्शन 3 है उसमें एक 1A बोल के 3.1.1A कर दिया आप उसको जी। तो 1 एक एडिशनल हुआ, जो 1 था, हाँ, उसमें ये करके एक एडिशनल सेक्शन सब सेक्शन जोड़ा जी। उसमें कहा गया, पहले तो प्रियम्बल पे जाइए, उन्होंने कहा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना है, हाँ, और फार्मर्स का इनकम को बढ़ावा बढ़ाना है, और तीसरा कैसे कंज्यूमर्स प्राइसेस भी ना एबनॉर्मली बढ़े उसको भी कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है जी। अब कहा गया कि सप्लाई ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो खास करके फूड स्टाफ है, चाहे सीरियल है, चाहे पेरिसेबल्स है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरह के जो चीजें हैं जी, उसका दो तरफ से प्रावधान हो किया गया कि एक अगर उनको गवर्नमेंट तभी रेगुलेट करेगी जब उनका प्राइस पिछले एक साल के एवरेज प्राइस के ऊपर 100% बढ़ जाए, अच्छा, पेरिसेबल्स का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, या फिर पिछले 5 साल का एवरेज प्राइस जो है जोन में से जो भी लोअर है उसको बेस मान के अगर 100% से ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, उससे बिना गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, इट विल बी फ्री उसके उसी रेंज पे। दूसरा कहा गया कि अगर सीरियल जैसे फूड स्टाफ है नॉन पेरिसेबल्स है, राइस, व्हीट, जवार, इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें कहा गया कि आपका अगर 50% से ज्यादा रिटेल प्राइसेस बढ़ता है तो गवर्नमेंट फिर उसे उस मौके पे सप्लाई को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। तीसरा प्रावधान जो सबसे इम्पोर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, जिसका डिमांड बहुत दिनों से था प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, कि डिमांड ये था कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के दिन में जरूरत है प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, हाँ, या एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देना, तो और एक्सपोर्ट पॉलिसी चूंकि हमारी इतनी डिफेक्टिव थी कि जरा सी कुछ बात, यूनियन प्राइसेस आपने देखा ही होगा, जरा सी कुछ बात हुई तो स्टॉक लिमिट लगा दिया, जरा सी कोई बात हुई तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जरा सी कोई अच्छा, और कभी कभी तो गलत टाइम पे लगाते थे, ये भी देखा होगा आपने, तो ऐसे इस तरह का सिचुएशन ना हो तो इसी लीगल दायरे में ही कहा गया कि एक्सपोर्टर्स को अननेसेसरीली स्टॉक लिमिट से बांधा नहीं जाएगा। इसी तरह से जो प्रोसेसर्स है, मान लीजिए किसी प्रोसेसर का यूनिट कैपेसिटी जो है उसका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मान लिया 100 टन प्रोड्यूस करने का है, और आपने कह दिया कि चूंकि प्राइसेस इतना बढ़ गया तो 20 टन से ज्यादा कोई स्टॉक करेगा नहीं, तो फिर प्रोड्यूस कैसे करेगा वो, तो इसीलिए प्रोसेसर को और एक्सपोर्टर्स को खास करके कहा गया है कि उनके ऊपर ये जो हमने कहा है कि रेगुलेशन करने के बाद वो रेगुलेशन लागू नहीं होगा, चूंकि हम एक प्रोसेसिंग सेक्टर चूंकि एक प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, हाँ, एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो दोनों सेक्टर को बढ़ावा देने से सर्टेनली एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोशन होगा। तीसरी बात जो है इसमें क्विकली एक चीज और बता दूं कि ये भी कहा गया कि पीडीएस या टीपीडीएस को इस दायरे से अलग रखा जाए, मतलब ये सेक्शन जो है उसका इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये कावरा जी, जैसे अभी आप पीडीएस की बात कर रहे थे, एक तो ये ज्यादातर समस्या अभी आती है इसमें जो बेसिक फूड ग्रेन के अलावा जो है उसमें ये जो चेंजेस हैं पहली बार नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखें कि मिड 90s में काफी सारी चीजें इसमें बदल दी गई थी और बहुत सारे प्रोड्यूस असेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए थे, और उसके बाद आप देखें वायदा कारोबार भी शुरू हुआ था 2003 में जी। फिर जो है 2003 में इसमें यह किया था कि जो राज्यों के पास स्टॉक लिमिट लगाने का अधिकार था वो सेंटर ने अपने पास ले लिया था कि अगर कीमतों में बढ़ाव तेजी भी आती है तो राज्य अपनी तरफ से उसके ऊपर ये नहीं लगा सकते, लिमिट नहीं लगा सकते, ज्यादा पाबंदी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि एक स्पाइक आया था महंगाई का, और तो जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स हो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, फूड में दाम बहुत बढ़ गए थे, तो फिर उस वक्त समस्या आई थी। तो इसको लेकर के काबरा जी आपका क्या मानना है कि ये जो पहली कोशिश हुई थी वो तो कामयाब नहीं हो पाई थी? देखिए, अगर आप कुल मिला करके इन अनाज के चीजों का और आवश्यक चीजों के दामों पर देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि उनमें एक तरह के जैसे कहते हैं अपेक्षाकृत स्थायित्व, एक मामूली सी दायरे में उनमें गड़बड़ हो, उससे ज्यादा नहीं हो। आप अमूमन देखते हैं कि कई बार उससे काफी तेज हो जाता है, काफी कम हो जाता है। वो तो इस गड़बड़ को रोकने में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कोई सफल नहीं हो पाया, ये चाहे लागू करने की दिक्कत हो या कानून में खामी की बात हो, ये एक अध्ययन का विषय है, वो खासकर अलग अलग कमोडिटीज में। पर
जब सारे देश में आप एक ही सीमा रखेंगे, कोई जैसे उत्पादक प्रदेश है, कई उपभोक्ता प्रदेश है, खासकर आप देखेंगे कि शहरों में मांग बहुत ज्यादा होती है, गांवों में और कस्बों में और उत्पादक राज्यों में अपेक्षाकृत कम होती है, किसान खुद अपनी जरूरत का सामान रख भी लेता है और अधिकांश लोग किसान या उनसे जुड़े हुए हैं जो खेती में मजदूरी करते हैं। तो मेरे समझ में इसको एक तो ये एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें केंद्र की इतनी बड़ी भूमिका होना एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है, पर आम जनता को कितनी मात्रा में पहुंचे और सही मात्रा में पहुंचे, ज्यादा गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि लोगों का फैमिली बजट नहीं गड़बड़ाए। अगर आपको दाल और अनाज तो खरीदना ही पड़ेगा, प्याज और आलू तो खरीदने ही पड़ेंगे, तब इनके दामों में अधिक उथल पुथल हो जाएगी तो उसका असर क्या होगा। तो ये सोचने के सवाल है कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और खासकर जब किसान को अधिकांश माल हिंदुस्तान में दो तीन चीजें कृषि विपणन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि अधिकांश किसान छोटे किसान है, और किसानी के साथ साथ या तो वो बटाई पर जमीन लेते हैं या इतनी कम जमीन है कि वो बटाई पर दे भी देते हैं, दूसरी तरफ वो मजदूरी भी करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं, तो उनके आमदनी में स्थायित्व के लिए कि अनाज का वो तुरंत नहीं बेचे, वो उसको संभाल के रख सके, तो बहुत बड़ी जरूरत है। और शायद इस बार व्यवस्था भी की गई है कि कर्ज दिए जाएंगे, वेयर हाउसेज बढ़ेंगे, परंतु वेयर हाउसेज के साथ साथ में ये जरूरी है कि किसान के नजदीक, गांवों के नजदीक, खासकर जहां तक संभव हो पंचायतों के अधीन एक पंचायत के इलाके में एक बोरा गोडाउन हो और वहीं पर वो माल रखे और उसके माल में उसको वेयर हाउस रिसीट मिले और वो इनक्वेशबल हो, बैंक में ले जा करके उसके खिलाफ वो कर्ज ले सके। इस तरह की व्यवस्था के बिना जब वो जमीन के लिए कर्ज लेना पड़ता है, खाद बीज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, छोटे किसान बड़े किसान सरप्लस होता है नहीं होता है। एक जो आपने बात कही कि इससे प्रोसेसिंग बढ़ेगी, और प्रोसेसिंग बढ़ना जरूरी है क्योंकि वैल्यू एडिशन होगा तो किसानों को ज्यादा दाम मिल पाएगा, तो एक तो ये पक्ष है। दूसरे जो मैंने चर्चा की थी, सवाल जैसे पूछा था काबरा जी से भी, कि 2003 में जब ये बदलाव किए गए वो उसके बाद महंगाई का काफी बड़ा एक स्पाइक आया था अगर आप देखें, तो ये जो कारोबारी है वो इस बार वैसा नहीं करेंगे। और जब आपने कहा कि 100% इंक्रीज होगा तब जाकर के इसको उसमें लागू करेंगे, या खाद्यान्नों का 50% जब वृद्धि हो जाएगी तब करेंगे, आपको नहीं लगता कि ये जो 100% और 50% का जो दाम बढ़ोतरी के बाद आप एक्शन में आएंगे, और एक टाइम लैग होता है उसमें, क्योंकि जब दाम बढ़ जाएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, फिर तब तक आप कंट्रोल करेंगे तब तक वो अपने आप ही सामान्य हो जाएंगे और आप एक मैकेनिज्म को खत्म कर देंगे। और जैसे काबरा जी भी कह रहे थे कि राज्यों की जो भूमिका है वो इस पूरे मसले में बहुत अहम है, क्योंकि केंद्र तो कानून बनाएगा और घोषणाएं कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली जो मशीनरी है नीचे उसको लागू करने वाली वो तो राज्य है। तो ये दोनों के बीच का जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, एक रिस्क है थोड़ा ये दो तरह से इसको टैकल करना चाहिए था। एक तो था कि 100% जहां कह रहे हैं कि बेस प्राइस से, एवरेज प्राइस से 100% इंक्रीज, वो मेरे ख्याल से 100 प्राइस में तो देश खत्म हो जाएगा, मेरा जहां तक अपना ये है, इसलिए मैं तो उसको कभी भी मतलब एडवाइजेबल नहीं समझता, वो गलत हुआ है। क्योंकि देखिए आपको याद होगा 2007 से लेकर 2011 तक जी, प्राइस में इतना हाइक हुआ था, मैं उसी सर के 60% 100% साउथ एशियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन था, फूड प्राइस इन्फ्लेशन, इंडिया में थोड़ा कम था लेकिन यहां भी उतना कम नहीं था, 10% 14% 15% के, अच्छा किसी किसी में फिश वगैरह में और वेजिटेबल्स में तो 20% से ऊपर हो गया था, लेकिन फिर भी वो रिजनेबल था। बांग्लादेश कहते थे कि हमारे को इंडिया राइस नहीं दे रहे, उनके पास राइस का इतना स्टॉक होते हुए भी, लेकिन चूंकि हमारे पास राइस का स्टॉक था वो हमें हेल्प कराया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में।
पीडीएस के द्वारा भी और ऐसे भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा, तो वो अगर नहीं हुआ होता तो शायद प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं ही नहीं चाहता कि 100% या 50% का वो बैंड हो, वो बेसिकली 20% से ज्यादा उसको रखना ही नहीं चाहिए था जी। उसको वो गलत हुआ मेरे हिसाब से। और दूसरी, चूंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कंज्यूमर्स भी हैं, हाँ। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते भी, सब लोग तो सारी चीज प्रोड्यूस करते नहीं, नहीं ग्रेन भी खरीदते, ग्रेन भी खरीदते में, जो जिनके पास कम जमीन है, इसीलिए सबके पास कम जमीन है तो वो भी खरीदते। तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्लास के फार्मर्स के लिए तो वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सम हो सकता है, जैसा कि एक्सपीरियंस था साउथ एशियन कंट्रीज का उस समय। तो एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपने कह दिया है कि वो जो हम रेगुलेशंस करेंगे सप्लाई को, वो करेंगे तभी एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, जिसमें वार हो, फेमिन्स हो, या कोई उस तरह का बड़ा न, जब तक आप एसेस करेंगे कि कोई वार हुआ या फेमिन हुआ या ये हुआ और प्राइस 200% हो गया, तो तब तक जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स है तब तक तो हाहाकार मच जाएगा लोगों में। तो इस सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। मैं सर यहाँ पे काबरा जी आपके पास आऊं, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो हमने जो बंगाल फेमिन देखा, हमारे पास स्टॉक्स भी था, ट्रेडर के पास स्टॉक्स था, लोग मर रहे थे। दूसरे एक एग्जांपल इसमें और जुड़ता है कि जो आप बता रहे 2005 से 7 के बीच में हमारा व्हीट प्रोडक्शन गिर गया था, उसी दौर में हमने तमाम सारी जो बड़े कॉरपोरेट्स है, हमारे घरेलू भी और मल्टीनेशनल भी, उनको भी अनुमति दे रखी थी कि वो भी बाजार से सीधे खरीद करें। अब उन्होंने खरीदा, सेंट्रल पूल में स्टॉक कम था और हमें इम्पोर्ट करना पड़ गया व्हीट एक ही क्रॉप के कम होने पे। तो भारत जैसा देश जो इतना संवेदनशील है सप्लाई के मामले में कि एक क्रॉप का फेलियर हमें आयातक बना देता है, तो ऐसे में आप बिल्कुल खुली छूट दें और बात करें कि आत्मनिर्भर किसान हो रहा है या आत्मनिर्भर कारोबारी होगा, तो ये किसकी आत्मनिर्भरता है और हमारी जो फूड सिक्योरिटी की आत्मनिर्भरता है, कल को ये उसके लिए संकट तो नहीं बन जाएगा? काबरा साहब, ये पुराने उदाहरणों के आधार पर मैं पूछना चाह रहा हूं। नहीं, उनके अलावा भी ये जो वस्तु स्थिति को देखे तो पहले जैसे कि कीमत कितनी बढ़ने पर सरकार हस्तक्षेप करेगी और वो भी केंद्र हस्तक्षेप करेगा जी। 100% बढ़ने का मतलब यह है कि अनाज की जो मांग है, खाद्य पदार्थों की मांग है, वो हाईली इनइलास्टिक होती है, मतलब वो स्थिर होती है, उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप दाम 100% बढ़ गए तो क्या आदमी जो इसके घर में 8 किलो अनाज आता था वो 4 किलो में काम चलाएगा? एक सोचने की बात है। हमारे यहाँ वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का नंबर आता है वो कोई खास संतोष प्रदक या हमको गर्व से सिरोन्नत करने का मौका नहीं देता है। अनाज काफी होते हुए भी हमारे यहाँ अन्न की कमी से लोग परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जब कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि हो जाती है तो आपने ये जोर बहुत अच्छा किया है कि खरीददार वही करेगा जो इनकम टैक्स में जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है जी। पर उसने किसान ने जितना माल बेचा वो तो बड़े किसान मझोली किसान है, मार्केटेड सरप्लस की जो बाजार में करते हैं उसकी जितनी भी स्टडीज हैं वो ये बताती है कि जो आदमी जिसके पास में दो, किसी को 4 महीने, किसी 6 महीने, 8 महीने, लेकिन किसान को खुद को बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है, किसान को निर्भर रहना पड़ता है, यानी अधिकांश लोगों को रहना पड़ता है। उस स्थिति में मैं ये नहीं मानता हूं कि जो विद्यमान व्यवस्था है वो सही है। निश्चित रूप से उसमें सुधार की जरूरत थी। कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत गड़बड़ हुई है और छोटे किसान, मझोले किसान और आम उपभोक्ता को, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उनको काफी नुकसान हुआ है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे, काबरा जी अभी समय की कमी है, हक साहब ये एक छोटा सा रिएक्शन आपका इसके प्रोग्राम के आखिर में कि ये जो बदलाव है ये किसानों के लिए है, उद्यमी के लिए है या उपभोक्ताओं के लिए है, एक छोटी टिप्पणी आपकी। मेरे हिसाब से किसानों को इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये रहा कि प्रोसेसिंग सेक्टर को, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट्स किसानों को मिलेगा। अभी जैसे खास करके इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सक्र जिस तरह से एफपीओ करके उनको भी इन्वॉल्व करके लोकल लेवल पे प्रोसेसिंग करके सब चीजें हो रही है, तो उसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में ना प्राइवेट सेक्टर कोई आएगा ना गवर्नमेंट आएगी जब तक इस तरह का सिचुएशन ना हो कि अननेसेसरी लगे कि अड़चन आ गई जी।
आपके पास कैपेसिटी है 100 टन की, यार आपने 20 टन में स्टॉक लिमिट लगा दिया, उनका काम बंद हो गया, तो वो फिर नहीं चल सकता, वो सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए आपको अगर प्रोसेसिंग को बढ़ाना है, आप सोचते हैं कि फार्मर्स को उससे फायदा है, तो ये उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि एबनॉर्मल प्राइस राइज नहीं होने देना है, और ये 100% वाला जो कहा गया ये ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा होता है। एक साल के एवरेज प्राइस के ऊपर अगर मान लीजिए आप 100% इंक्रीज कर देंगे तो अनबियरेबल हो जाएगा। जी जी, तो यही मैं कहूंगा यहाँ पर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, और एक बड़ा एक मुश्किल सा विषय था जिस पर आप लोगों ने इसको साफ करने की कोशिश की, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। सरकार का ये एक बड़ा कदम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम को इतना लिबरल कर देना, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात और निकल के आ रही है इस डिस्कशन में कि जो कदम उठाए गए हैं वो उतना व्यावहारिक नहीं है जितनी दरकार थी। किसानों को परोक्ष रूप से फायदा हो सकता है, लेकिन जब वो उपभोक्ता होगा तो वो भी उपभोक्ताओं की उसी कतार में खड़ा होगा जहां उसके ऊपर भी भारी बोझ उसके कीमतों का पड़ सकता है। मेरे ख्याल से मौजूदा स्वरूप में बदलाव सरकार को करना चाहिए, इस कानून को सुधार की गुंजाइश है, लेकिन ये जो अभी का स्वरूप है वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा। इसी नोट पर मैं ये कार्यक्रम के इजाजत लूंगा। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े रहिए आप इन किसान की बात में स्वराज एक्सप्रेस चैनल पर। फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।